जय हिंद। नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम। तारीख है दोस्तों आज 23/5/2024 और आज हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आज जितने भी एडमिशन आए जश्न हो अभी सुबह की बात है, सभी माताएं हैं ये अपने बेटों को लेकर अपनी बेटी को लेकर, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप यहां पर आए अपने बेटों को अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं तो पेरेंट्स जरूर साथ में लेकर आए, लेकिन आज हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बैसाख का लास्ट दिन है, पूर्णिमा है आज और माता आई है यहाँ पर, हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जी माता जी, कहाँ से आई आप? हम आए फिलुकड़ी कुरावर के पास, कुरावर के पास में है ना। हाँ। तो कुरावर से हमारे यहाँ से एक गुड़िया बनी है, वर्षा से बनी है। हाँ, पहचानते हैं आप उनको? हाँ पहचानते। क्या बोला उन्होंने? अच्छा है, बोले मंदिर जाओ आप और वहाँ से पूरी तैयारी करवाते और बन के आते वर्षा से। हाँ, अभी भाई की शादी हुई उनकी। हाँ, उनके भाई की शादी हुई। बताया चलो, बहुत अच्छी बात है। जी माता जी, आप कहाँ से आए? गोंडा से। गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गोंडा राजा भैया। हाँ। है ना, राजा भैया वहाँ के कुछ विधायक वगैरह घुसते हैं। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात। माता जी बहुत दूर दराज आए आप अपनी बेटी को लेकर, जैसे आपके यूपी में बहुत सारे सेंटर है और हाँ। बगल में भी जो भी स्टेट है वहां पर सेंटर, लेकिन आप इतनी दूर इंदौर फिजिकल एकेडमी आई, क्या आपने देखा? हमने यही देखा, वहाँ थोड़ा काम ज्यादा करवाते हैं जी। कुछ खाना पीना अच्छा नहीं है जी। कहाँ पर? यहाँ कानपुर लखनऊ जी। हाँ, और पढ़ाई भी अच्छी नहीं है जी। जी कोई निकलता भी ज्यादा नहीं है जी, इसलिए यहाँ। चल ठीक, आप तो यहाँ पर सोचो बोल जो ठीक है, छोड़ो क्या है क्या नहीं, लेकिन आप इतनी दूर यहाँ पर, आपने इंदौर फिजिकल एकेडमी में क्या देखा कि यहाँ पर आप आए? यहाँ अच्छा लगा जी। हाँ, और बहुत आदमी बन के निकल रहे हैं, बन के निकल रहे हैं। चलो अब आने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा था ये बताओ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आपकी बोली बानी अच्छी लगी जी। हाँ, आपकी बोली अच्छी लगी। गुड़िया बहुत दूर से ही बेटा, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं। गुड़िया से वही बता रहे हैं, बड़ा भाई है। नहीं भाई है बिल्कुल, मेरी बेटी है, मेरी बहन है छोटी, अच्छे से मेहनत करवाएंगे बिल्कुल। हाँ। और लीन होके मेहनत करना बेटा। हाँ। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि बहुत दूर से ही बेटी तू, और माँ का विश्वास मत तोड़, क्योंकि माँ बाप तो शाम सुबह पर मेहनत करते हैं, उम्मीद लगाकर बेटे की, मेरी बेटी मेरा बेटा इतनी दूर गया है तो मेहनत करके फौजी बनकर आएगा, है ना। और खुदा ने कहा बेटा तो यहाँ पर मेहनत नहीं करेगी और वापस जैसे ही थी वैसे जाएगी तो इनके दिल पर क्या बीतेगी, है ना। तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है बेटा माँ बाप, है ना। तो माँ बाप को आपको इंडियन आर्मी की वर्दी गिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, फौज की वर्दी प्राप्त करना, लेकिन इसके लिए आपको समय पर पाबंद रहना पड़ेगा, अपनी बॉडी का 100% देना पड़ेगा और जी जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा। यार ऐसा लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, तो बस उस टाइम ये सोचना कि यार मेरी माँ कितनी उम्मीद से छोड़कर गए और मैं बोल रहा नहीं हो पाएगा तो मेरी माँ के ऊपर क्या बीतेगी, है ना। बहुत दूर से ही बेटा जी। माता जी कहाँ से आए हैं आप? बिंदी भिंड से आए हैं आप? या भिंड मुरैना। चलो बहुत अच्छी बात है, कैसा लग रहा आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा, चलो बढ़िया। तो साथियों आज बड़ी सौभाग्य की बात है, पूरे पेरेंट्स आए हैं मेरे लिए। मैं तो यही बोलता हूँ कि जब भी आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने बेटे को अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं तो साथ में अपने पेरेंट्स को जरूर साथ में लेकर आए, क्योंकि यहाँ की पूरी व्यवस्था देखिए उसके बाद में दोस्तों दाखिला करवाए। चलो सभी को प्रणाम, जय हिंद। आइए इंदौर फिजिकल एकेडमी और आप भी दोस्तों अपने सपने को साकार करें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय।